أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيشم إن شاء الله تعالى سورة نور كي سيكستي سيكن كي جو آية ہے اسكا grammatical analysis ديكي إن شاء الله و جو مفهوم ماري سامني آتا ها موطا موطا إن آه شاء الله و هم ديكينجي تو हमारा इसमें ये आ, मीनिंग हर चीज नहीं होगा कि हम जो है इसकी पूरी डेफ्थ में जाएंगे और पूरा इसका जो है आ, पूरी तफसीर हम सामने लाए पूरी सीरीज का हमारा मकसद यही होता है कि हम जो बेसिक कवायद है सरफ और नाव के उनको सीखने के बाद हम कैसे कुरान पाक में वो अप्लाई करके एक मोटा सा मफहूम समझ सके जब हम किराद करें या जब हम कुरन पाक को पढ़े तो ये समझने में हमें हमेशा जो है इसको आसानी हो जाहिर सी बात है उसके बाद अगर आप और मजीद और कंप्लीट मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए और बेहतर से बेहतर मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए फिर उसके बाद और डेफ्त में आपको तबसीर भी देखनी होगी और मुफसिन की राय भी देखनी होगी तो बहरहाल वो हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है तो चलते है हमारी आयत पे हमारी आयत अमन व रसूल ही वही माह अमरन जाम इन لم يذهبوا حتى يستعزنوا إن الذين يستعزنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. شلت يا

उन्होंने ईमान लाया वो जो ईमान लाए ईमान लाए किस पर आगे है बिल्ला चार मजरूर के साथ अल्लाह पर यानी सिर्फ ईमान वाले तो वो है कि जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर फिर आगे हर एंड कंज और वसूली ही मोजाफ मोजाफिल उनका रसूल किन का रसूल और उनके रसूल पर अल्लाह के रसूल पर रसूल ही हा के जमीर के साथ उनके रसूल पर जिन्हें अल्लाह पर ईमान लाया और उनके रसूल पर ईमान लाया फिर हर और इजाब उसके बाद है कानू पहले ना किस काना काना कानू इजाब के साथ कानू तो फ्यूचर का मीनिंग और जब इजा जब जब वो हूं या जब वो होते हैं क्या होते हैं माहू उसके साथ माहू रसूल के साथ रसूल के सामने और तो ये मुजाफ उसके साथ उन, उनकी उनके करेक्टर एक ये बयान किया जाता है कि ये ईमान लाते हैं अल्लाह और रसूल पर और जब ये होते हैं रसूल के पास क्यों होते हैं फिर आगे हो, आला हर फिजर आला हरफर के बाद लाजमिन जो इसम आएगा वो मजरूर हालत में तो इसम आ रहा है अमरिन अम्मर काम ठीक अब यहाँ पे आगे फिर इसम है जाम तो अगर यहाँ मतलब है ये जो दो इसम की कंस्ट्रक्शन मुजाफले वाली कंस्ट्रक्शन है ये होना चाहिए अमर उन जाम जाम उन जो है ये आ, असल में इसमुलफाइल भी है तो ये जमक के मीनिंग में इस्तेमाल होगा तो ये बन जाएगा मुजाफ मुजाफ लेकर इसका मीनिंग जमा होने वाले, वाले यानी वो ईमान वाले जब रसूल रसूल के उसके साथ होते हैं किसी किसी काम पर जो इकट्ठे होने वाला कोई काम हो जमा होने वाले काम पर जमा होने वाला काम तो यानी उस काम पर जब वो उसके रसूल के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं लम यजहबू ये यजहबूना होना चाहिए था नून ड्रॉप हुआ है लम की वजह से यानी इन लम लम्मा अखफ तो यजहबूना था तो फिर मुजार जमा वाली फॉर्म गायब की वो नहीं तो नहीं वो जाते यानी वो नहीं चले जाते नहीं जाते वो सब नहीं वो जाते यहाँ तक कि हत् हम जानते हो रूप में जानतेफीफ कर लेता फेल मुजारे को उसके बाद आपकाज नू ये नू ना था तो नून ड्राफ हुआ खफीफ यहाँ तक कि ये आपका हमजा नून मादे पे फैले ये जो है फैल मुजारे की जमा वाली फॉर्म गायब की ये बाबे इस्तेफाल से, से, इस्ताजिनू, से तो वो इजाजत मांगते मांगेंगे हु उसको। तो हता यजिन यहाँ तक कि वो यानी रसूल से उससे इजाजत ना मांगे यानी ये लोग नहीं जब ये किसी अमर पे जमा हो जाते हैं भाई कोई ऐसा अमर जो इकट्ठे होने वाला अमर होता है कोई काम जब उस पर जमा हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते तो फिर नहीं चले जाते वहां से तक हता यहां कि वो पहले उसे इजाजत तलब नहीं करते तो इनका करक्टर ये बयान होता है कि वो हजूर से इजाजत तलब करते है फिर आगे एक्सप्लेन हो रहा है इन्ना उसके बाद इन्ना बेशक वो लोग जो इसमा वो जो यज नू यजनूना प्लस का की जमीर तो यज नूना सेम पैटर्न पे जाल नून मादा पे बाबी इस्तेफाल से फैल मुजारा की जमा बली बेशक वो जो इजाजत मांगते हैं का की जमीर के साथ आपसे जो इजाजत मांगते हैं आपसे आपको का हसमा इशारा बाईद के लिए वो सब का उलाना यानी वही सब है वो लोग जो आमना से यु मिन फैल मुजार जो ईमान लाते ही यही ईमान रखते हैं यही ईमान लाते हैं बिल्ला जार मजरूर अल्लाह पर हर एंड और ही मुझाफ मुझाफ ले उसके पर। तो ये जो इजाजत मांगते हैं रुसूल, रुसूल, के को, तो इनता और वो लोग जो इजाजत मांगते हैं आपसे यजन आपसे एक वही लोग है जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर उस अल्लाह के रसूल पर फिर आगे है

इस्ता फैल माजी का गायब जमा का सेगा, जब ये इजाजत मांगते है आपसे जब ये इजाजत मांगते हैं आपसे तो फ़ाइज़ा बस जब इस तजनु का जब वो आप मांगते हैं ले बाज़ी लेरूर बाज़ के लिए बाज के लिए वो बाज क्या होता है शानीहिम शानीहिम उनके किसी काम उनका काम मुजाफ मुजाफ ले उनके काम यानी उनका उनके किसी काम के मुतल जब आपसे इजाजत तलब करते हैं उनके काम के बारे में जब आपसे इजाजत तलब करते हैं बाज काम के मुतलिक तो आप क्या कर लीजिए फ फा फस फा फाइनाफिया पसन आपने इजाजत दी आप इजाजत दिया ली प्लस, जार, प्लस मन मौसूला लिमन शीता आ, से शीता आ, ये आपका चाहने की मीनिंग है शाह आसी शाह आशा आशाऊ शाह अत शाहता शीना शीता शी तुम एक ने लिमन उसके लिए जो ने चाह तो फईजन आप इजाजत दी उसको जिसको आप चाहे जिसको आप चाहे तो जिसको आप चाहे।, तो चाहे उसको आप इजाजत दी फजन लिमन शीता जिसको आप चाहे उसको इजाजत दी मिन उन से, से, तो से इजाजत तो लिबाज शान उनके बाद कामों के लिए फइज फाइज, फ तो फैल अमर आफ ने इजाजत दी लेनशी तबीर हूं उनमें से जिसे आप चाहे फिर आगे और फरमा रहे वाह और इस तिर ये भी फैले अमर बाब इस्तेफाल से इस तक फिर आप करें इस तिर से इस तक फिर बाब इस्तेफाल से फैले अमर लहूम जार मजरूर उनके लिए उनके लिए आप इस्तीफार तलब करें किससे आगे समारा है मनसूब मफूल भी अल्लाह से अब अल्लाह से उनके लिए इस्फार तलब करें तो फिर आगे है इन नंसूब अल्लाह 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 बेशक अल्ला की सिफत नंबर वन फिर आगे सिफत नंबर टू गफूर मकफल करने वाला रहीम रहम करने वाला अब गफूर गफोन फाइल भी है ये रहीम भी इसमें फाइल है गफूर भी इसमें फाइल है दूसरा गफूर इसमें मुबालगा भी है तो मुबालगा रहीम भी मुबालगा तो हम इसको लिखेंगे मफहम वो मकफरत करने वाला बख्शने वाला रहीम रहीम करने वाला अब में वो बहुत बख्शिश बख्शिश करने वाला है बहुत रहम करने वाला है बेशक अल्लाह की एक सफ है कि वो बहुत बख्शिश करने वाला है और बहुत करने वाला है तो ये हमारे ट्रांसलेन जो हमारे सामने आ गया इन मीनून आम और बेशक ईमान वाले वो है जो जिनने ईमान लाया अल्लाह पर उसके रसूल पर वही इजाकान वो माहू अला अमरिन जामिन जब वो आपके साथ होते हैं किसी इकट्ठे होने वाले अमर के लिए यजहबू नहीं जाते वो जब तक आप आपने इजाजत ना देते इजाजत तो न मांगे इजाजत मांगते हैं वो है जो ईमान रखते हैं रसूल ही और इजाजन का लिबाज शानिम बस जब ये आपसे इजाजत तले तलब करी लिबाज शानिम उनकी किसी बाज काम के बारे में